उतरौला के मधपुर शरीफ में चल रही सरकार फैजुल आरिफीन हजरत अल्लामा ख्वाजा सफी गुलाम आसी पिया हसनी अल्लेही रहमतु और रिजवान के 3 दिवसीय 21वें सालाना उर्स के दूसरे दिन सोमवार को अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का आगमन हुआ। सज्जादा नशीन सूफी जियाउल लतीफ आसवी और उनके मुरीदों ने मंत्री दानिश आजाद अंसारी को फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने फैजुल आरिफिन गुलाम आसी पिया हसनी के आस्ताने पर चादर पेश की। सज्जादा नशीन सूफी जियाउल लतीफ आसवी ने दरगाह परिसर की बाउंड्री कराने, मुसाफिर खाना बनवाने, शौचालय और पानी की टंकी की सुविधा उपलब्ध कराने, दरगाह की दोनों तरफ सड़क निर्माण कराए जाने, महफिल खाना और लंगर खाने का कायाकल्प कराए जाने, विद्युतीकरण, हाई मास्क लाइट ट्रांसफार्मर लगवाए जाने, दरगाह परिसर से सटे करबला घाट तालाब का सौंदर्यीकरण कराए जाने का मेमोरेंडम सौंपा है, जिस पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सभी कार्यों को कराने का आश्वासन दिया है। उतरौला में हमारे उर्स का प्रोग्राम था, सूफी संवाद का प्रोग्राम था, यहाँ पर प्रदेश भर से और देश भर से लोग आए हुए हैं। निश्चित तौर पे यहाँ से हमने मोहब्बत का, भाईचारे का, अमन चैन सुकून का एक हमने पैगाम दिया। हमारा देश तरक्की की तरफ आगे बढ़े, तमाम हमारे मोमिनों ने ये दुआ की, हम सब मिलजुल के भाईचारे के साथ एकजुट होकर रहे, इस बारे में हमने चर्चा की और तमाम लोग यहाँ आए और सबने अपने अपने हमारे तमाम उलेमा लोग मौलाना लोग यहाँ मौजूद हैं, सबने जो है रोशनी डाली कि किस तरीके से हम प्यार मोहब्बत से अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े, इल्म कैसे हासिल किया जाए, मुस्लिम समाज इल्म की तरफ आगे बढ़े, मुस्लिम समाज जो है भाईचारे को और मजबूत करे, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की। और हमें की तरफ से एक मेमोरेंडम भेंट किया गया है, उसमें कुछ उनकी जो है मांगे हैं बाउंड्री वाल और पानी पेयजल के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई सारी छोटी छोटी ऐसी समस्याएं बताई गई हैं और यकीनन उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और यहाँ आने पे मैं यहाँ पे अपने विधायक निधि से एक पानी का यहाँ पे वाटर कूलर लगवाऊंगा, मैं आज घोषणा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मुसाफिरों के लिए बहुत दिक्कत होती है, काफी दूर दूर उनको रहना पड़ता है, उसके लिए भी मांग पत्र, इसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट से कई स्कीम्स है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हम यहाँ पे अपने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को हम भेजेंगे और कैसे हम यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, चाहे तालाब सुंदरीकरण का जो प्रोजेक्ट है, इनके चीजें कैसे इसको सरकार की योजना से हम कनेक्ट कर सकते हैं, इन चीजों को देखेंगे। अस्पताल है, कई सारी चीजें ऐसी सामने आई है, लाइट की भी समस्या बहुत ज्यादा है, इस क्षेत्र में लाइट नहीं रह पाती, खंभे नहीं लगे, जो भी यहाँ पे ऐसी समस्या है लाइट की या बेसिक बिजली पानी की, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है ईमानदारी से सब तक विकास पहुंचे इसके लिए काम कर रही है और हम जो भी यहाँ की जरूरत है उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। उतरौला से वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।